तो फाइनली 8,000 से भी ज्यादा डेली रिक्वेस्ट पाने के बाद ट्रस्ट वॉलेट ने अपना क्रोम एक्सटेंशन लॉन्च कर दिया है। अब आप बस एक सिंगल क्लिक से किसी भी डीफाई एप्लीकेशन से कनेक्ट कर सकते हैं और अपने ट्रांजैक्शन को क्रोम ब्राउजर से कंप्लीट कर सकते हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कि कैसे आप ट्रस्ट वॉलेट को अपने क्रोम ब्राउजर में इंस्टॉल करेंगे, कैसे अपने ट्रस्ट वॉलेट मोबाइल एप्लीकेशन को क्रोम एक्सटेंशन में रीस्टोर करेंगे, डीफाई एप्लीकेशन में ट्रांजैक्शन करेंगे। वीडियो के अंत तक, और अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक बटन को क्लिक करें और मुझे सपोर्ट करें। ब्राउज़र को ओपन करें। ओपन करने के बाद हम क्रोम एक्सटेंशन सर्च करेंगे। क्रोम एक्सटेंशन सर्च करने के बाद क्रोम वेब स्टोर को ओपन करें। क्रोम वेब स्टोर ओपन करने के बाद हम ट्रस्ट वॉलेट सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद हमारे पास ट्रस्ट वॉलेट का ऑप्शन आ जाएगा। सबसे पहले वाले ऑप्शन को क्लिक करें। क्लिक करने पर ट्रस्ट वॉलेट का ऐप आ जाएगा। उसको वेरीफाई करने के लिए आप नीचे दिए गए एडिशनल इन्फॉर्मेशन में चेक कर सकते हैं कि इसका डेवलपर कौन है, इसका वेबसाइट क्या है। इन सारे डिटेल्स को आप वेरीफाई कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन को अपने क्रोम में ऐड करने के लिए हम ऐड टू क्रोम बटन में क्लिक करेंगे, फिर ऐड एक्सटेंशन में क्लिक करेंगे और फिर हमारा ट्रस्ट वॉलेट क्रोम ब्राउजर में ऐड हो जाएगा। वॉलेट एक्सटेंशन आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो आप इस आइकन में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ट्रस्ट वॉलेट में ये पिन आइकन को क्लिक करेंगे, जिससे कि आपका ट्रस्ट वॉलेट आइकन हमेशा आपको क्रोम ब्राउजर में दिखाई देगा। नेक्स्ट हम अपने ट्रस्ट वॉलेट को अब सेटअप करेंगे। ट्रस्ट वॉलेट को सेटअप करने के लिए हम इस ट्रस्ट वॉलेट का आइकन को क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे पास दो ऑप्शन है, क्रिएट ए न्यू वॉलेट या इंपोर्ट और रिकवर वॉलेट। अगर आप ट्रस्ट वॉलेट सेटअप कर रहे हैं तो क्रिएट ए न्यू वॉलेट पर क्लिक करें। अगर आपके पास ऑलरेडी मोबाइल एप्लीकेशन में आपका ट्रस्ट वॉलेट सेटअप है तो इंपोर्ट और रिकवर वॉलेट क्लिक करें। मैं इस वीडियो में आपको कैसे इंपोर्ट और रिकवर करते हैं वो दिखाऊंगा, तो मैं इंपोर्ट और रिकवर वॉलेट क्लिक करूंगा। डिटेल्स दिए गए हैं कि इन्फॉर्मेशन रखता है, आपको कैसे आइडेंट स्टोर करता है कि नहीं करता है, क्या ऑप्शंस है, आप उनको पढ़ के नो थैंक्स या शेयर डेटा में क्लिक कर सकते हैं। अब वॉलेट को अपने मोबाइल से क्रोम ब्राउजर में इंपोर्ट करने के लिए आपको ये 12 डिजिट का सीक्रेट फ्रेज डालना पड़ेगा। ये वही सीक्रेट फ्रेज है जो आपको फर्स्ट टाइम जब आपने ट्रस्ट वॉलेट सेटअप किया था तब आपको मिला था। अपने ट्रस्ट वॉलेट के सीक्रेट फ्रेज को कॉपी करने के लिए सबसे पहले अपने ट्रस्ट वॉलेट ऐप को मोबाइल में ओपन करें। ओपन करने के बाद नीचे दिए गए सेटिंग्स में क्लिक करें। सेटिंग्स में क्लिक करने के बाद ऊपर दिए गए वॉलेट के नाम में क्लिक करें। क्लिक करने के बाद वॉलेट के नाम के पास आप ये 3 डॉट्स देख पाएंगे, उस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद शो सीक्रेट फेज में क्लिक करें। क्लिक करने के बाद ये आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देगा कि आपको ये सीट फेज किसी के साथ भी शेयर नहीं करना है। अगर आप ये सीट फेज शेयर करते हैं किसी से तो आपका पूरा क्रिप्टो वॉलेट कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है और कोई भी आपके अकाउंट की चीज को देख सकता है और क्रिप्टो टोकन्स को ट्रांसफ़र कर सकता है या आप पूरा कम्प्लीटली लूज कर सकते हैं अपने टोकन्स को। इन सब चीज़ों को चेक करें और कंटिन्यू करें। कंटिन्यू करने के बाद आपको आपका 12 वर्ड्स का सीक्रेट फ्रेज मिल जाएगा। इस सीक्रेट फ्रेज को आप एक एक करके अपने क्रोम ब्राउजर के प्लगइन में डालें। एंटर करने के बाद हम प्रोसीड बटन में क्लिक करेंगे और अपने वॉलेट का पासवर्ड डालेंगे। आई हैव रेड में क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। और ये पासवर्ड ज़रूरी नहीं है कि आपका मोबाइल एप्लीकेशन का पासवर्ड हो, ये आपके क्रोम एक्सटेंशन को लॉगिन करने का पासवर्ड है। नेक्स्ट में क्लिक करते हैं। यू हैव सक्सेसफुली इंपोर्टेड योर वॉलेट, इसका मतलब आपका वॉलेट सक्सेसफुली इंपोर्ट हो चुका है। अब हम ओपन वॉलेट में क्लिक करेंगे। ओपन वॉलेट में क्लिक करने के बाद ये पॉपअप आएगा कि आप कैसे डैप्स को ट्रस्ट वॉलेट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। गॉट इट में क्लिक करते हैं। आई एम रेडी टू यूज ट्रस्ट वॉलेट में क्लिक करें। अब आप देख सकते हैं कि आपके अकाउंट में कितने बैलेंस है, अब सिंक हो चुका है आपके क्रोम ब्राउजर में। अब आप अपने सारे डिटेल्स यहाँ पर देख सकते हैं और अब आप किसी भी डीफाई एप्लीकेशन को अपने ट्रस्ट वॉलेट के साथ कनेक्ट करने के लिए तैयार हैं।
अब हम अपने ट्रस्ट वॉलेट को एक डीफाई एप्लीकेशन से कनेक्ट करेंगे। हम पैनकेक स्वैप की वेबसाइट पे जाएंगे। मेक श्योर करें कि आप वैलिड पैनकेक के वेबसाइट पे हैं, ये कोई फिशिंग वेबसाइट नहीं है। आप इसको CNC के वेबसाइट से जाके ओपन कर सकते हैं और वेरीफाई कर सकते हैं कि आप सही वेबसाइट पर हैं। पैनकेक स्वैप में जाने के बाद हम कनेक्ट वॉलेट के ऑप्शन में क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको ट्रस्ट वॉलेट का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें, आपका ट्रस्ट वॉलेट ओपन हो जाएगा और ये आपसे परमिशन मांगेगा कि हम इसे कनेक्ट करना चाहते हैं। कनेक्ट में क्लिक करें, मेक श्योर करें कि आप सही वेबसाइट पे हैं बिफोर कनेक्टिंग। ये आपको अब बोलेगा कि आप BNB स्मार्ट चेन में स्विच करें। स्विच बटन में क्लिक करें। स्विच बटन में क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि ट्रस्ट वॉलेट के साथ कनेक्ट हो चुका है। मैं आपको पैनकेक स्वैप से एक ट्रांजेक्शन करके दिखाऊंगा, तो मेक श्योर करें कि आपके ट्रस्ट वॉलेट में BNB बैलेंस ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो पैनकेक स्वैप में मैं ट्रेड में जाऊंगा, स्वैप में जाऊंगा। इस एग्जांपल में मैं BNB से केक टोकन्स खरीदूंगा, तो मेरे पास कुछ BNB टोकन्स हैं और मेरा ट्रस्ट वॉलेट भी कनेक्टेड है। तो ट्रस्ट वॉलेट कनेक्ट होने के बाद मेरे पास जितने BNB टोकन्स हैं वो यहाँ पर दिखा रहा है। मैं BNB से केक खरीदूंगा तो केक का टोकन यहाँ नीचे दिखा रहा है। अब मेरे पास ये ऑप्शन है कि मैं कितना परसेंटेज ऑफ बैलेंस से कितना टोकन खरीदना चाहता हूँ। अगर मैं बैलेंस सिर्फ केक खरीदना चाहता हूँ तो मेरे सारे BNB टोकन्स के बैलेंस से मुझे कितने केक टोकन्स मिलेंगे। तो मैं सारे यूज़ नहीं करूँगा, मैं अराउंड 75% ऑफ माई BNB बैलेंस यूज़ करके केक टोकन्स खरीदूँगा इस करेंट प्राइस पे। ठीक है, टोकन में क्लिक करें, कन्फर्म स्वैप करें और कुछ देर इंतज़ार करें। हमारे पास ट्रस्ट वॉलेट का कंफर्मेशन स्क्रीन आ जाएगा। यहाँ पे हमें इस ट्रांजैक्शन रिलेटेड पूरी डिटेल्स दिखाएगी, जैसे ये कौन सी वेबसाइट से ये ट्रांजैक्शन इनिशिएट हुआ है, कितना अमाउंट ऑफ BNB कटेगा, कौन से नेटवर्क पे है, फीस कितना है, कितना टाइम लगेगा और टोटल BNB कितना खर्च होंगे। आप इसे कन्फर्म या रिजेक्ट कर सकते हैं। मैं इसे कन्फर्म करूँगा। कन्फर्म करने के बाद ट्रांजैक्शन सबमिट हो जाएगा और हम इसके क्लोज कर देंगे। ट्रांजेक्शन रिसिप्ट हमारे पास अवेलेबल हो जाएगा। हम चाहें तो इसे क्लिक करके BSC स्कैन में ब्लॉकचेन के पूरे ट्रांजेक्शन को देख सकते हैं कि किस टोकन से कौन सा टोकन खरीदा है, कितना चार्जेस लगा है। अब ये एक ब्लॉकचेन में एक ट्रांजेक्शन फ्रीज हो गया है। अब BSC स्कैन एक्सप्लोरर में जाके इस ट्रांजेक्शन की हिस्ट्री देख सकते हैं कि कैसे ट्रांजेक्शन स्टार्ट हुआ और कौन से टोकन कैसे ट्रांसफर हुए, उसका स्टेटस क्या है। यहाँ पे स्टेटस सक्सेस दिखा रहा है कि ये ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अब हमारे करने के बाद हम चेक करेंगे क्या हमें केक टोकन्स मिले हैं। यहाँ केक बैलेंस हमें दिखा रहा है, पर हमें अपने ट्रस्ट वॉलेट के अकाउंट में जाके देखना पड़ेगा कि क्या हमारे पास टोकन्स आए हैं। जब मैं ट्रस्ट वॉलेट के टोकन्स पे जाऊँगा तो यहाँ आप देख के शॉक्ड हो जाओगे। कुछ सेकंड के लिए आपकी सांसें थम जाएंगी कि अरे मुझे जब केक टोकन्स दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो घबराइए मत, क्योंकि आपको यहाँ पे केक टोकन ऐड करने पड़ेंगे। जब भी हम कोई टोकन में ट्रांसफ़र करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो ट्रस्ट वॉलेट में ऑलरेडी प्रेजेंट पहले से रहेंगे। हमें कभी कभी टोकन्स को ऐड करने पड़ते हैं। तो टोकन ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, कॉइन मार्केट कैप में जाएंगे और पैनकेक स्वैप सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस आएगा पैनकेक स्वैप का, BEP20 का, बाइनेंस स्मार्ट चेन का। आने के बाद हम इसे कॉपी कर लेंगे स्मार्ट चेन कॉन्ट्रैक्ट को और फिर अपने ट्रस्ट वॉलेट में ये टॉप आइकन में जाके क्लिक करेंगे मैनेज टोकन वाले और टोकन का एड्रेस को पेस्ट करेंगे। करने के बाद हमें केक स्मार्ट चेन का टोकन दिखाई देगा, उसे हम इनेबल या ऐड कर लेंगे। फिर ऐड कस्टम टोकन में क्लिक करेंगे। बैक बटन में क्लिक करके हम देखेंगे कि हमारा केक टोकन्स दिख रहा है और हमारे पास केक टोकन्स बैलेंस आ गए हैं। तो इस तरह से आप वैलिडेट कर सकते हो कि आपका ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हुआ है कि नहीं और आपके पास आप जिस टोकन को खरीदना चाह रहे थे उसका बैलेंस आया है कि नहीं। आप अपने ट्रस्ट वॉलेट की क्रोम एक्सटेंशन को यूज़ करके किसी भी डीफाई एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं और ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। अगर आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मुझे फॉलो करें, इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें, ताकि वो भी ट्रस्ट वॉलेट के क्रोम एक्सटेंशन का फ़ायदा उठा सकें और अपने ट्रांजेक्शन्स को इजीली कंप्लीट कर सकें। थैंक यू।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।